पावर पॉइंट वाली फाइल पता नहीं सर, खुली तो थी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आवाज सबको ठीक आ रही है? आप अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो हैंड रेज करें बेटा। आवाज अगर किसी को ना आ रही हो तो फिर हैंड रेज करें। ठीक है जी, चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, एनेबल कर दें। हाँ जी, ओके जी, जरा एक दफा मैं चेक कर लेता हूं। जी बेटा, आवाज किसी को ना आ रही हो तो हैंड रेज कीजिएगा। चलें जी, मेरा ख्याल है एवरीथिंग इज फाइन। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने एंड किया था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। कल मैंने आपको बताया था लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और फिर एक आपको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में भी बताया था। मतलब वो टॉपिक्स भी हमने लास्ट में पढ़ा था। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, नेटवर्क टोपोलॉजीज। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजी को समझने के लिए मैं अगर आपको सिर्फ एक वर्ड के अंदर, असल में नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है जी? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स को आपस में किस तरह से अरेंज किया है। एक छोटी सी मिसाल बताता हूं कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, 40-50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उनकी चेयर्स को अरेंज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जिस दिन जो एग्जामिनेशन हॉल होता है उसमें जरा स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट्स कॉलम वाइज, ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, तो इस तरह से क्लास में रो वाइज और जो एग्जामिनेशन है उसमें इस तरह कॉलम वाइज। मतलब थोड़ी सी अरेंजमेंट क्या है, हम उसको चेंज कर देते हैं जब हम एग्जामिनेशन का जो है एग्जामिनेशन हो रहा होता है, तो वही स्टूडेंट उनको जरा डिफरेंट अरेंजमेंट के अंदर बिठाते हैं। अच्छा, अगर कोई मीटिंग हो रही हो जहां पे हर क्लास के जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया जाए, कोई 25-30 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मीटिंग में अब वो जो स्टूडेंट्स जब बैठे हैं तो उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, एक टेबल है उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, या हाउ द कंप्यूटर्स आर अटैच्ड, वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से अटैच हुए हैं। एक छोटी सी मिसाल जरा देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक रूम है, ये एक रूम है, और रूम के अंदर ये हमने एक वायर इस तरह से यू, ये तो जरा देखिएगा यू शेप सी बन गई, और हमने रूम में चार कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, चार कोनों पे पड़े हुए हैं कंप्यूटर्स, तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया। एक ये अरेंजमेंट है। एक इसी रूम में हम इस तरह की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, हम कहते हैं यहां पे एक सेंट्रल डिवाइस लगा देते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, इस कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से अगर इन्हीं कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया तो ये अरेंजमेंट डिफरेंट है इससे। बस हालांकि ये भी वही चार कंप्यूटर्स हैं,
ये भी वही चार कंप्यूटर्स हैं, बट इनको कनेक्ट करने का, अरेंज करने का तरीका आपस में वो डिफरेंट है। तो इसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। क्यों जी, समझ आ रही? स्टार नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जो स्टार टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा हो उसे कह देते हैं स्टार नेटवर्क, जो रिंग टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा हो उसे कह देते हैं रिंग नेटवर्क, जो बस टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा हो उसे कह देते हैं बस नेटवर्क, ट्री टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा हो ट्री नेटवर्क। ये मैंने अपने पास से, ये बुक में चारों टोपोलॉजीज लिखी हुई है, ये भी मैंने यहां पे साथ लिख दी, मैश नेटवर्क, मैश टोपोलॉजी को जो फॉलो कर रहा हूं। तो जरा वन बाय वन देखते हैं, स्टार नेटवर्क कौन सा होता है, या स्टार टोपोलॉजी कौन सी होती है, या स्टार वाली अरेंजमेंट कौन सी होती है। जैसे वो क्लास में समझाया था ना कि स्टूडेंट्स को बिठाने की डिफरेंट अरेंजमेंट, तो अब कंप्यूटर्स की भी डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट है कि हाउ दे विल बी अरेंज्ड इन अ नेटवर्क, हाउ दे विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये वाली जो टेक्निक है ना, इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, जिसमें कोई सेंट्रल डिवाइस, ये सेंट्रल डिवाइस है, कोई सेंट्रल डिवाइस लगा दें और सारे कंप्यूटर्स को उसके साथ कनेक्ट करते जाएं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है, इस तरह का, इस तरह से जो नेटवर्क कनेक्ट हो उसे हम कह देते हैं स्टार नेटवर्क। अच्छा, अगर हर कंप्यूटर फर्स्ट इज कनेक्टेड विद सेकंड, सेकंड इज कनेक्टेड विद थर्ड, एंड लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद फर्स्ट, अगर इस तरह से कोई कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो तो हम उसे कह देते हैं ये रिंग नेटवर्क है। और अगर जिस तरह केबल टेलीविजन वाले घर, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी इलाके में वो केबल बिछा देते हैं और जिस जिस घर को केबल का कनेक्शन चाहिए हो वहां पे उन्हें एक वायर कनेक्ट करके अंदर घर तक पहुंचा देते हैं, कनेक्शन दे देते हैं। इस तरह से अगर कोई कंप्यूटर्स कनेक्ट हो या कोई नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट हो, जैसे मैंने ये मिसाल बताई थी आपको कि एक वायर है जो रूम के अंदर ऐसे बिछा दी गई है और कंप्यूटर्स उसके साथ क्या करते जा रहे हैं, कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो है, इस तरह का जो नेटवर्क होगा इसे कह देते हैं बस नेटवर्क, जिसके अंदर जहन में रखना है एक सेंट्रल वायर है, नॉट सेंट्रल डिवाइस। इधर सेंट्रल डिवाइस थी और इधर एक सेंट्रल वायर है, वो वायर बस, असल में वो वायर इंपॉर्टेंट चीज है, उस वायर को बस कहते हैं। और वो वायर जो है उसके साथ जहां जहां से वो वायर गुजरती जाएगी वहां वहां हम कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के नेटवर्क को कहेंगे बस नेटवर्क, ठीक है जी। अच्छा, ट्री नेटवर्क क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे ट्री से ब्रांचेस निकलती हैं, तो ट्री नेटवर्क कैसा है? मिसाल के तौर पर ये एक हाइब्रिड नेटवर्क भी आप इसे कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी के अंदर ये रूम भी है, या चलो एक मिनट मैं न्यू पेज पे आपको बना देता हूं। ट्री नेटवर्क को थोड़ा सा समझना है। मिसाल के तौर पर एक ये रूम है, यहां पे कोई स्टार नेटवर्क है, कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये एक और रूम है, यहां पे भी आपस में कनेक्टेड हैं कुछ कंप्यूटर्स, वही सेंट्रल डिवाइस के जरिए से। और एक बस वाली वायर भी एक गुजर रही है, उसके साथ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, आगे एक और रूम कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा उसे हम क्या कह देंगे? ट्री नेटवर्क। जैसे कि ट्री से ब्रांचेस निकल रही होती हैं, तो इस तरह का जो नेटवर्क है उसे हम ट्री नेटवर्क कहते हैं, या ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैश टोपोलॉजी प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है, या प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि मैश टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाना बड़ा मुश्किल है। मतलब पॉसिबल ना होने का मतलब यही है कि बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है, बहुत मुश्किल भी हो जाता है। दो तीन कंप्यूटर हो, चार कंप्यूटर हो तो तब तो बना सकते हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, ये टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाना
वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर अगर 3 कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ एक डेडिकेटेड लिंक होगा। मिसाल के तौर पर ये 4 कंप्यूटर्स हैं, मैं बार बार वही 4 कंप्यूटर्स बना के बता रहा हूं वो ताकि पता चले कि इन्हीं को अगर इस फॉर्म में कनेक्ट करना है तो कैसे करना है। अब जरा देखें, इसका भी हर तीनों के साथ, बाकी तीनों के साथ लिंक है, इसका भी बाकी तीनों के साथ लिंक है, इसका भी बाकी तीनों के साथ लिंक है। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या कह देते हैं, मैश नेटवर्क। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट फिर शुरू करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले टोपोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप तो कीजिए। एनीवन? उसामा फयाज, एक मिनट जी सर। ट्री नेटवर्क दोबारा बता दें, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, ट्री नहीं आया। ट्री नेटवर्क दोबारा बता देते हैं। और कोई क्वेश्चन? उसामा का क्वेश्चन है कि ट्री नेटवर्क सर जरा दोबारा बता दें। एनीवन एल्स? अच्छा जी, एक मिनट। वलीद सर, मैश नेटवर्क को हम इस तरह कह सकते हैं कि वो नेटवर्क जिसके अंदर हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो। यही बिल्कुल, लेकिन ये तो सॉफ्टवेयर नेटवर्क नहीं होता है ना। हाँ, यही मैंने कहा ना कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ। डिफरेंस क्या हुआ किसमें जी? मैश नेटवर्क में और बाकी में डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि कंप्यूटर तो नहीं देखे, भी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं उनके अंदर हर कंप्यूटर जो वो हर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। नहीं कनेक्टेड, मैंने एक वर्ड बोला था डेडिकेटेड लिंक होता है, ये वर्ड बोला था। मैश नेटवर्क में हर कंप्यूटर दूसरे से लिंक होता है बाय अ डेडिकेटेड लिंक। डेडिकेटेड लिंक मतलब अगर आप ये देखें, थोड़ा सा फर्क समझें। रिंग नेटवर्क होता तो सिर्फ ये इस तरह से, इसका इसके साथ डेडिकेटेड लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। चलो डायरेक्ट कह लें, डायरेक्ट लिंक नहीं है ये अगर रिंग नेटवर्क। लेकिन अगर ये मैश नेटवर्क होता तो फिर हर एक का दूसरे के साथ एक अलहदा से डायरेक्ट लिंक होगा। डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क है, समझ रहे जी? जी बेटा, बात समझ आ गई है? अच्छा जी वलीद। सर ये जो बस नेटवर्क है, ये वायर जिसके जरिए बाकी कंप्यूटर से अटैच, उसे हम बस नेटवर्क कहते हैं? हाँ जी, उसे बस नेटवर्क कहते हैं, बिल्कुल। उस वायर को हम बस, ये टर्म जो है बस भी बोली जाती है उसके लिए। ठीक है जी, जी मुबशर बेटा, मुबशर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर बस नेटवर्क का दोबारा एक्सप्लेन कर दे सर। बस नेटवर्क के अंदर देखो, पहले छोटी सी बात समझे कि एक सेंट्रल वायर बिछा दी जाती है पहले, जहां जहां कंप्यूटर लगाने होते हैं। ठीक है, सेंट्रल वायर बिछा दी जाती है जहां जहां कंप्यूटर लगाने होते हैं, और फिर उस बस के, उस वायर के साथ जिसे हम बस भी कह सकते हैं, उसके साथ फिर हर कंप्यूटर को कनेक्ट करते जाते हैं। ठीक है? यस सर जी। ट्री नेटवर्क का भी मैं जरा एक दफा दोबारा बता देता हूं। देखें, ये एक रूम है, ये भी एक रूम है, से इधर ये स्टार नेटवर्क है, ये जरा देखिएगा, स्टार नेटवर्क है। 3 कंप्यूटर इस सेंट्रल, ये सेंट्रल डिवाइस है, इसे हब भी कह सकते हैं, स्विच भी कह सकते हैं, आजकल घरों में भी हम स्विचेस यूज करते हैं कुछ कंप्यूटर्स को। 3-4 कंप्यूटर हैं घर में, उनको आपस में कनेक्ट करना है, ये भी एक सेंट्रल डिवाइस के जरिए से ये चारों कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अब हम एक, यानी ये बस एक तरह से, जरा देखिएगा, ये बस का और स्टार का एक तरह से कंबिनेशन बन जाएगा। यानी ये स्टार नेटवर्क है, ये भी स्टार नेटवर्क है, और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने एक वायर यहां पे लगा दी है, तो ये क्या हो गया, ये एक ट्री नेटवर्क हो गया। ट्री जैसे, जैसे ये एक दरख्त का तना है और ये उससे शाखें निकल रही हैं,
है कुछ इस तरह का, देखो बन रहा है, अगर एक लॉजिक इसका व्यू देखें, लॉजिकल व्यू, तो वो इस तरह का ही लग रहा है। जी चलें जी, अब आगे चलते हैं। सर ये टोपोलॉजी और आर्किटेक्चर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या फर्क है? देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग की कोई बात नहीं की मैंने अभी तक, कोई ऐसी बात की कि सेंट्रल कंप्यूटर डाटा इसमें होगा और वो डाटा को प्रोसेस करेगा, तमाम डाटा एक जगह पे प्रोसेस होगा। देखो जो देखें जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां डेटा प्रोसेसिंग है कि डेटा प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, कि कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट तो कर रहे हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर हम प्रोसेसिंग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस, हमने ये डिसाइड करना है कि क्या हमें एक प्लेस के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है या मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर। यहां पे प्रोसेसिंग का कोई जिक्र नहीं है, यहां पे सिर्फ उनकी कनेक्टिविटी का जिक्र है, हाउ दे आर कनेक्टेड, सिर्फ कनेक्टेड। ठीक है जी, ओके जी, चलें अगला टॉपिक पर शुरू करते हैं। अच्छा जी, अगला टॉपिक, अब हमने पिछले जो कल का भी लेक्चर था और आज का जो अभी तक लेक्चर है, इसमें हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी समझा और कंप्यूटर के नेटवर्क्स को भी समझा, नेट आर्किटेक्चर्स को भी समझा। ठीक है जी, तो आज अब जरा डिटेल से देखेंगे जो डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा था, और उसमें स्पेशली आज सीपीयू को देखेंगे। पेपर के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में यूजुअली क्वेश्चंस सीपीयू से रिलेटेड जरूर आता है। मतलब मैंने जो प्रीवियसली को पिछले, मैं 20 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ ये आईटी का सब्जेक्ट, तो मैंने पिछले 20 साल से जो स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं उनको जो है वो देखा है, उनको एनालाइज किया है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी होती है, तो आमतौर पर सीपीयू से रिलेटेड हार्डवेयर में क्वेश्चन जरूर आता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, और वैसे भी कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू। सीपीयू असल में एक चिप होती है, यहां पे मैंने स्पेशली ये लफ्ज ऐसे करके चिप लिख भी दिया, ये एक माइक्रोचिप है। आमतौर पर अक्सर हम लोग कह देते हैं कंप्यूटर के साथ जो एक बॉक्स सा पड़ा हुआ होता है उसे कह देते हैं सीपीयू, दैट इज नॉट सीपीयू, उसको हमने कहना है कि वो सिस्टम बॉक्स है, सीपीयू नहीं है। उसको हम अक्सर आम जो है, आम तौर पर लोग जो है उसको सीपीयू बोल देते हैं, दैट इज नॉट सीपीयू। ठीक है जी, सीपीयू असल में एक चिप है जिसे प्रोसेसर भी कह देते हैं, अक्सर वैसे आम जबान में जो वर्ड बोला जाता है इसके लिए वो प्रोसेसर होता है। तो सीपीयू इज एक्चुअली अ चिप। अच्छा जी, सीपीयू क्या है जी? एक चिप है, और कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और तमाम कंप्यूटर का डेटा जो है वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है। तो यहां पे मैंने वर्ड यहां पे लिखा, आपकी बुक में भी इसी टाइप का ही लिखा हुआ है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये ब्रेन है कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर के अंदर वो टास्क परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन, समराइजिंग, क्लासिफाइंग। याद है वो डेटा प्रोसेसिंग के कुछ टास्क बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो ये कैलकुलेशन भी करता है, डेटा प्रोसेसिंग भी करता है, क्लासिफाई भी करता है, समराइज भी करता है, कंपैरिजन भी करता है, तमाम डेटा प्रोसेसिंग के टास्क जो हैं, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेसिंग टास्क आर परफॉर्म्ड इन दिस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के अंदर आमतौर पर तकरीबन कंप्यूटर के तमाम प्रोसेसिंग के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर में सबसे अहम जो है वो सीपीयू है। दो बातें याद रखनी है, कंप्यूटर के हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीयू,
और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो बातें याद रखें, हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीयू और सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। नियरली ऑल डेटा प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड इन सीपीयू। तकरीबन जो कंप्यूटर को जो भी हम डेटा प्रोसेसिंग का काम कह रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग टास्क जो है वो सारे किसमें परफॉर्म किए जाते हैं, सीपीयू के अंदर ही। बाकी कंपोनेंट्स डेटा प्रोसेसिंग के अंदर यूज नहीं होते, ठीक है जी। लेकिन एक बात वही बताई थी जीपीयू वगैरह की कि ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए अगर आपने हैवी ग्राफिक्स हैं, 3D ग्राफिक्स हैं, उसके लिए फिर अलहदा से भी एक जीपीयू भी लगाया जा सकता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ, 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। आपकी बुक के अंदर ये इसी तरह से टॉपिक दिया हुआ है, हालांकि कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर इससे काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन बुक में उसको अलहदा से कैटेगराइज किया गया है कि 3 को बेसिक कंपोनेंट कहा गया है और फिर कुछ और कंपोनेंट्स हैं उनको भी अलहदा से बतलाया गया है। तो हम सबसे पहले 3 मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं, ऑल्दो सीपीयू हैज मोर देन दीज 3 कंपोनेंट्स, इनके अलावा भी सीपीयू के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बट दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी सिंपल सी डायग्राम भी मैं बनाता हूं, आपके सामने ही बनाऊंगा और आपको कुछ ये कॉन्सेप्ट इसका समझाता हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरा बात समझ लें। आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं इन तीनों कंपोनेंट्स का काम। अच्छा, एक बिजनेस कंपनी है, कंपनी के अंदर कुछ वर्कर्स हैं और कुछ मैनेजर्स हैं, बल्कि काफी सारे वर्कर्स हैं और कुछ मैनेजर्स हैं जो उन वर्कर्स को मैनेज कर रहे हैं, और एक वो वर्क प्लेस है जहां पे आके सारे काम करते हैं। ये 3 चीजें ज़हन में रखनी, क्या ख्याल है? ये 3 अहम चीजें हैं, कुछ वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं और कुछ मैनेजर्स हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, उनको बताते हैं कब क्या काम करना है, और तीसरा वो वर्क प्लेस है, वो जगह है जहां पे रहकर वो काम करते हैं। तो अभी आपने ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। आपने समझना है कि सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट एज अ मैनेजर काम करता है। कंट्रोल यूनिट काम करवाता है किन से? वर्कर से। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये किस तरह से काम करता है? लाइक वर्कर्स, ये वर्कर्स की तरह काम कर रहा है। काम कंप्यूटर ने क्या करना है? कंप्यूटर के अंदर ALU ने क्या टास्क परफॉर्म करना? वही डेटा प्रोसेसिंग। तो समझ लें कि डेटा प्रोसेस करना ALU ने, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने, और डेटा को प्रोसेस करवाना किसने है? किसने ALU को कहना चलो जी डेटा प्रोसेस करें? वो कंट्रोल यूनिट है। और डेटा को, जिसको प्रोसेस करना है डेटा को, और डेटा पे क्या प्रोसेस करना है, क्या कमांड अप्लाई करनी है, वो डेटा और कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस वो सारी रखी कहां पे जाएंगी, यानी जिस चीज को प्रोसेस करना उसको लाके रखना कहां पे है? वर्क प्लेस। वही बात कि वर्कर्स ने जो काम करना है वो कहां करना है, ठीक है जी। या वर्कर्स ने जिस जो कपड़े पे काम करना है या किसी चीज पे रॉ मटेरियल पे काम करना है वो लाके रखना कहाँ है, और कहाँ पे बैठ के उसको रॉ मटेरियल को जो है रिफाइन प्रोडक्ट के अंदर बदलना है, वो जो प्लेस है वो क्या है? रजिस्टर, ठीक है जी। वर्कर्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लाइक वर्क लाइक अ वर्कर, कंट्रोल यूनिट काम करता है एक मैनेजर की तरह, ठीक है। ये काम करता है, इसने मुख्तलिफ किस्म की डेटा प्रोसेसिंग करनी है, और कंट्रोल यूनिट ने डेटा प्रोसेसिंग करवानी है। और डेटा को कहां ला के रखा जाएगा? इंस्ट्रक्शंस को कहां ला के रखा जाएगा? रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है जी। चलो अभी एक जरा डायग्राम से और डिटेल से समझते हैं जरा आपने, और डायग्राम के बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी लूंगा। अच्छा जी,
इनपुट डिवाइसेस, ये वही डायग्राम है ऑलमोस्ट जो हमने पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में हमने देखी थी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई बस करूंगा। ये चीज नहीं थी उस वक्त, और आज अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, रैम के बारे में। बस ज़हन में रखना है कंप्यूटर को जब भी हम कोई इनपुट देते हैं वो जाके कहां स्टोर हो जाती है, सबसे पहले जो भी हम इनपुट देंगे वो रैम के पास जाएगी। अच्छा जरा देखिएगा, ज़हन में रखना है एक सॉलिड लाइन है और एक इस तरह डैश डैश करके मैंने लाइन बना रहा हूं। ये डेटा को जाहिर कर रही है, सॉलिड लाइन डेटा को, और ये जो डैश्ड लाइन है ऐसे डैश डैश, ये आप कह लें इंस्ट्रक्शंस को। यानी कंप्यूटर को हम डेटा भी देते हैं और कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, ठीक है जी। इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा दिया, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी, वो रैम तक पहुंच गए। ये है जी सीपीयू। ठीक है जी, आ गए वो तीनों चीजें, रजिस्टर्स, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस देंगे वो रैम के पास जाएंगी, रैम से वो डेटा भी और इंस्ट्रक्शंस भी किसके पास पहुंच जाएंगी, सीपीयू के पास। सीपीयू उस डेटा को इंस्ट्रक्शंस को कहां रखेगा, रजिस्टर। तो ज़हन में रखना है रजिस्टर्स टेम्परेरीली होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग द डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसके ऊपर कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है, जिस डेटा पे वो डेटा लाके कहां रखा जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस लाके कहां रखी जाती है, रजिस्टर्स में। यही रजिस्टर्स का काम है। ये स्मॉल मेमोरी एलिमेंट्स है, बहुत छोटे छोटे मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, चंद बिट्स इसमें आ सकती हैं, ठीक है जी, 32 बिट्स, 64 बिट, चंद बिट्स का डेटा इसमें आता है, ठीक है। अच्छा, अब जो भी रैम के पास डेटा और इंस्ट्रक्शंस आए उसको रजिस्टर में रखा, और कंट्रोल यूनिट फिर उसको चेक करता है कि रजिस्टर्स में क्या डेटा आया है और क्या उस पर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूं, 5 प्लस 10, ये 5 और 10 क्या है, डेटा है, और प्लस क्या है, इंस्ट्रक्शन। यानी एक मिसाल से समझा रहा हूं कि कंप्यूटर को हमने एक छोटा सा टास्क दिया कि तुम क्या करो, 5 को 10 से प्लस करो, तो 5 और 10 जो है वो डेटा है और प्लस जो है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन। अब कंट्रोल यूनिट देखेगा अच्छा प्लस करना है, तो साथ ही ऑर्डर देगा किसको, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, कि तुम डेटा को क्या कर दो, प्लस कर दो, जो भी डेटा पड़ा हुआ है रजिस्टर में उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करने के बाद वो ये डेटा दोबारा कहां पे भेज देगा, रैम में, और अगली इंस्ट्रक्शन के लिए कमांड दे देगा कि मुझे अगली इंस्ट्रक्शन भेज दो, कंट्रोल यूनिट ही ये काम करेगा सारा। और उसके बाद रैम से ये डेटा आउटपुट डिवाइस के ऊपर नजर आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस पे हम उसको व्यू कर लेंगे। और अगर इस डेटा को हमने स्टोर करना हो तो यहां पे स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें डेटा स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो गया, जब चाहिए होगा दोबारा पिक कर लेंगे। तो ये वही डायग्राम है, लेकिन मैंने दरमियान में सिर्फ रैम का एक इजाफा किया, क्योंकि वो एक जनरल डायग्राम थी, उसमें जिक्र नहीं किया था रैम का, तो ये जरा थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये डायग्राम अगर समझ आ जाए तो फिर बाकी सारी चीजें कंप्यूटर की समझना। अब ये देखे ना, इसके अंदर सारा हमें समझ आ गया कि किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। मैं एक दफा इसका रिव्यू देता हूं, देखे
डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं वो रैम में जाती हैं, रैम से वो डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू में आ जाती हैं, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है, कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, आई है इंस्ट्रक्शंस को, तीन काम कंट्रोल यूनिट करता है। ये जरा आप थोड़ा सा कंट्रोल यूनिट के तीन काम वो भी समझ लें। कंट्रोल यूनिट एक तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, फेच करता है, फेच FETCH, fetch करता, पिक करता कह लें। उसके बाद उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को आप एक तरह से समझ लें कि उन इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि वो कोड क्या कह रहा है, और फाइनली फिर खुद काम तो नहीं करता इंस्ट्रक्शन के ऊपर, खुद अमल नहीं करता बल्कि अपने वर्कर से करवाता है। और वर्कर कौन है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इस तरह के काम, डेटा की पावर लेना, ये इस तरह के सारे काम कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी काम करना किसने है, एएलयू ने, और करवाना किसने है, सीयू ने, किस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दी होंगी, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस्ड डेटा को वापस किसको भेज देना है, रैम को भेज देना है। सीपीयू अपने पास डेटा नहीं संभाल के रखता, बस आता जाता डेटा और उसको प्रोसेस करके भेजता जाता है, ठीक है जी, ताकि वो नेक्स्ट डेटा को प्रोसेस कर सके, और इस तरह फिर वो आउटपुट डिवाइस पे भेज दिया जाता है। अगर उस डेटा को स्टोर करके रखना है तो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है जी। ले जी, सीपीयू का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया, तीनों का काम भी पता चल गया। ज्यादा मैंने, मेरा फोकस इधर ही था कि मैं इन तीनों का आपको इनकी वर्किंग समझाऊं, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो भी सीपीयू के बारे में ही है, लेकिन जरा आगे कुछ डिटेल्स हैं जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सीपीयू के हवाले से, और ये जो अभी मैंने डायग्राम से भी समझाया कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है जी। उमर अब्दुल्ला 733, जवेरिया शमीन जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, आपने हैंड रेज किया था 709। जी उमर, उमर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उमर आपने हैंड रेज किया था, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वलीद आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर ये रजिस्टर्ड वॉइस को कहते हैं जी, रजिस्टर्स वॉइस को कहते हैं, वॉइस, ये रजिस्टर सर ये बेसिकली है क्या चीज है ये। हाँ, रजिस्टर क्या चीज है, देखो ये तीनों कंपोनेंट जो भी हमने पढ़े हैं ये तो सीपीयू के अंदर होते हैं, एक माइक्रोचिप होती है उसके अंदर, ये स्मॉल मेमोरी एलिमेंट्स हैं। दोबारा से बात सुने, स्मॉल मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है, स्मॉल मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं और टेम्परेरीली होल्ड करते हैं डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। जो हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको टेम्परेरीली होल्ड करके ये रजिस्टर रखते हैं, ताकि सीपीयू के जो बाकी कंपोनेंट है, एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो इसको क्या कर सकें, प्रोसेस कर सकें, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जैसे हमारे टीचर है मैथमेटिक्स के, उन्होंने आपको कोई क्वेश्चन दिया कि ये सॉल्व करें, तो आप करना सॉल्व आप नहीं है, लेकिन आपके पास एक रजिस्टर है, उस पे आपने वो डेटा जो उन्होंने दिया वो उसको लिख लिया, समझ रहे, रजिस्टर, यस सर। तो रजिस्टर इज आर द स्मॉल मेमोरी एलिमेंट्स इनसाइड द सीपीयू विच होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली ऑन विच प्रोसेसिंग विल बी परफॉर्म, जिस पे प्रोसेसिंग होनी है वो इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन रखी जाती है, ठीक है जी।
यस सर। अच्छा जी एक मिनट, अरसलान कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ रहे हैं। अरसलान जी सर, ये जो इनपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जी सर, कोई डिवाइस ऐसे भी है जो मतलब एक ही डिवाइस एज अ इनपुट भी इस्तेमाल हो सकती है? जी जी बहुत बहुत सारी हैं। उसमें एक एग्जांपल आप ले लें कि हमारे जो टच स्क्रीन है, मोबाइल की टच स्क्रीन आप कह लें, वो बैक वक्त इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। उसको बनाया इस तरह से गया है, उसके अंदर एक स्क्रीन है जो आपको आउटपुट भी दे रही है और टच आपका जो टच के जरिए से आप उसको इनपुट भी दे रहे हैं। तो टच स्क्रीन सर एक ही में दोनों का जी। सर ये जो फ्लैश और मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं, ये भी सर एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंसीडर किए जाएंगे? देखिए असल देखो मतलब कॉन्सेप्ट जो है असल उसका पर्पस ये है, असल पर्पस है फ्लैश और मेमोरी डिवाइसेस, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। असल मकसद स्टोर करना ही है डेटा को, लेकिन हम इसे इनपुट डिवाइस कैसे कह सकते हैं? बहुत सारी बुक्स हैं उनके अंदर मैंने पढ़ा सीडी रोम भी, यानी एक सीडी जो है उसको भी इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज किया जा सकता है। वो कैसे कि सीडी के अंदर डेटा लेके सीडी रोम के अंदर लगा दें और उसको जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर उस डेटा को इनपुट कर लें, तो इस पर्सपेक्टिव में इनपुट डिवाइस कहा जा सकता है। मतलब मेरे पास एक फ्लैश ड्राइव हो, उस पे कोई इमेजेस हो या उसके ऊपर कोई असाइनमेंट हो या उसमें प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको पढ़ाने के लिए, तो मैंने आके यहाँ पे लगाई उसको और वो डेटा उसमें स्टोर कर दिया, तो इस पर्सपेक्टिव में उसे कह सकते हैं इनपुट डिवाइस। वैसे असल पर्पज उसका स्टोरेज डिवाइस ही, ठीक है जी सर। जी बेटा और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? उसामा फयाज जी 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 अरसलान आप वो बोले सर, ये बेसिकली तो मतलब स्टोरेज डिवाइसेस हाँ, बेसिकली स्टोरेज डिवाइस में ही आएंगी वो, बिल्कुल सर। मैंने सर्च किया था वहां पे लिखा हुआ था कि मतलब ये एज अ इनपुट भी इस्तेमाल हो सकता है। देखो देखो बेटा मैंने आपको यही तो बताया कि आप इस पर्सपेक्टिव में उसे इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। देखो एक होता है किसी चीज का मेन पर्पज, मिसाल बताओ क्रिकेट का तो शौक रखते होंगे, तो क्रिकेट में कहते हैं जी ये बैट्समैन है, मेन पर्पज बैटिंग ही है इसका, ये बैट्समैन है। लेकिन कभी कभी आप वो जो ओपनर या वन डाउन जो प्लेयर आता है उसको आपने कभी कभी बॉलिंग करते भी देखा होगा और साथ में लिखा हुआ आ रहा था पार्ट टाइम बॉलर, ये कोई रेगुलर बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये तो बैट्समैन है और ये जो है ये पार्ट टाइम अब यहाँ पे बॉलिंग कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से मेन पर्पज जो है फ्लैश ड्राइव या सीडी रोम, ये इनका बुनियादी मकसद जो है वो डेटा स्टोरेज ही है, बट दीज कैन बी यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस। और सारा वो मैंने पर्सपेक्टिव भी समझा दिया कि असल तो उसमें डेटा स्टोर किया हुआ है, आप उस डिवाइस को अपने साथ कैरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपको कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना है, आप वही डिवाइस लगाते हैं, कहते हैं मैं ये टाइप क्यों करूं डेटा, ये तो मैंने इसमें स्टोर करके रखा हुआ है, इधर से ही इनपुट कर देता हूं, तो इस पर्सपेक्टिव में उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जा सकता है, ठीक है। ओके सर जी जी। मुबशर इकबाल एक मिनट इनको मैं अच्छा जी उसामा फयाज अच्छा सर जरा देखिएगा सर ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस के बाद रैम में क्यों जा रही हैं? ये डायरेक्ट सीपीयू के रजिस्टर में चली जाएं और फिर वहां से डायरेक्ट आउटपुट में चली जाएं, रैम का क्या रोल है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखो मैं आपसे एक बात तो मैंने बताई थी अभी कि सीपीयू के अंदर जो डेटा को स्टोर करके जो चीज रखेगी डेटा या इंस्ट्रक्शन को, वो कौन सी चीज है जरा बताएं तो मुझे, कौन सी चीज है जो सीपीयू में टेम्परेरीली डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करेगी? उसामा रजिस्टर। रजिस्टर वेरी गुड वेरी गुड शाबाश, वो रजिस्टर्स हैं। अच्छा रजिस्टर्स बहुत स्मॉल मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, 32-bit रजिस्टर, 64-bit रजिस्टर, चंद बिट्स में डेटा आ सकता है, 0 और 1 को ना बिट कहते हैं। तो बस याद रखना है, आपका सवाल यह है कि डायरेक्टली क्यों सीपीयू में नहीं चले जाते? इसका जवाब यह है कि एक एक शॉप है, तो चलो एक बेकरी है, बेकरी पे आप जाते हैं तो थोड़े से केक वहां पे पड़े हुए हैं, थोड़ी सी ब्रेड्स पड़ी हुई हैं, सारी क्यों नहीं वहां पे पड़ी हुई? वो उन्होंने कोई
कोई अपना बनाया हुआ है, प्लेस बनाई हुई है पीछे, वहां रखी हुई है संभाल के, क्योंकि सारी दुकान में नहीं आ सकती। शॉप बड़ी महंगी है जिस इलाके में वो बेकरी है, तो वो शॉप छोटी सी है जहां पे वो थोड़ी सी चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं और बाकी चीजें उन्होंने पीछे गोदाम में या किसी भी प्लेस के ऊपर रखी हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह रैम, बस आप समझें कि रैम की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं। अगर सीपीयू में रजिस्टर्स की बहुत ज्यादा होती तो वो सारा का सारा डेटा हम चलो सीपीयू में ही भेज देते और वो उसको आराम से प्रोसेस करता रहता, एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर देता और बाकी कई 100 इंस्ट्रक्शंस जो है वो और उनका डेटा पड़ा रहता। तो इस वजह से रैम जो है, रैम एक सपोर्टिव किरदार अदा करती है सीपीयू के साथ। ठीक है जी, रैम एक तरह से गोदाम है। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही जी। वलीद, अच्छा जी मेरा ख्याल है और क्वेश्चन कोई नहीं है, चलें जी आगे चलते हैं। अब कंप्लीट करते हैं आज के लेक्चर में, एक दो चीजें और है सीपीयू को ही आगे चलते हैं। सीपीयू से रिलेटेड अभी पहले दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा, वन इज मल्टी प्रोसेसिंग एंड सेकंड वन इज मल्टी कोर प्रोसेसर। ये दोनों कॉन्सेप्ट बुक के अंदर ये दोनों टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो वन बाय वन इनको समझाना है। पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट इसको एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं। मैंने यहां पे समझाने के लिए अलहदा से आप लोगों को एक हिंट दे दिया कि मल्टी प्रोसेसिंग असल में क्या है। अगर एक कंप्यूटर है और उसके अंदर चार सीपीयू लगे हुए हैं, मोर देन वन सीपीयू, मोर देन वन चिप्स, ये चिप, ठीक है जी, कंप्यूटर के अंदर फिजिकल चिप जो है एक से ज्यादा लगी हुई है, मतलब चार सीपीयू, मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर है उसके अंदर चार स्लॉट्स हैं, मैं चार सीपीयू लगा सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ एक बाजार से खरीद के लगा लिया, मैंने कहा मुझे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग की जरूरत है, तो वो मेरा जो कंप्यूटर है वो मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर नहीं होगा, उसे यूनी प्रोसेसिंग कंप्यूटर कहते हैं। आमतौर पर हमारे कंप्यूटर यूनी प्रोसेसिंग कंप्यूटर ही होते हैं, एक प्रोसेसर लगा होता है, एक चिप लगी होती है, एक प्रोसेसर लगा होता है। लेकिन अगर हम एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर लगा दें, मैं कहता हूं मैंने अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है और मैं 2-3-4 चिप लगा देता हूं, एक से ज्यादा वो लगा देता हूं, तो अगर मोर देन वन चिप्स या प्रोसेसर्स कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं तो उस कंप्यूटर को हम कहेंगे ये मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर है और ये मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी इसमें एक ही वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं और जो भी काम आता है वो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को डिवाइड करके दे देता है और वो जल्दी से प्रोसेस करके उसको दे देते हैं। इफ मोर देन वन प्रोसेसर्स आर वर्किंग इन ए कंप्यूटर, दिस इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग। और अब आते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है, अब इसकी छोटी सी एक मिसाल समझाऊंगा या आपको। मल्टी कोर कभी सुना है, एग विद टू योक्स, एक अंडा और जिसमें दो योक्स होती हैं, उर्दू में उसे जर्दी कह देते हैं, ठीक है, एग विद टू योक्स। तो मल्टी कोर प्रोसेसर भी ऐसा ही है कि फिजिकली वो एक चिप है, यानी प्रोसेसर एक ही है, हमने बाजार से जाके खरीदा एक प्रोसेसर, लेकिन उन्होंने कहा ये डुअल कोर है, हमने एक मोबाइल खरीदा और मोबाइल के अंदर कहते हैं प्रोसेसर एक ही लगा हुआ है, या चिप एक ही है प्रोसेसर एक ही है लेकिन इसके अंदर आठ हैं, आठ प्रोसेसर हैं, ऑक्टा कोर। यानी आप तो एक ही चिप खरीद रहे हैं लेकिन उसके अंदर असल में क्या है, उसको मिनिएचराइज करके उसको आठ चिप्स जो है वो वहां पे उसके अंदर लगी हुई है और फिजिकली वो आपको एक ही चिप मिल रही है, तो इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये मल्टी कोर प्रोसेसर है। मोर देन वन सीपीयूज इन अ सिंगल चिप, अगर एक ही चिप के अंदर मोर देन वन सीपीयूज मौजूद हो तो हम उसे कह देते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर। ठीक है जी,
आगे चलें फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमने सीपीयू से रिलेटेड कुछ चीजें मेन कंपोनेंट्स पढ़े, कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अब सीपीयू से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स हैं, ये भी सीपीयू से रिलेटेड ही चीजें हैं। उसामा मैं अभी ये कंप्लीट कर लूं, फिर आपका मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है? अभी लास्ट 5 मिनट्स हैं, तो मैं ये कंप्लीट कर लूं, आज का ये काम था कि यहां तक कम से कम हमने इसको कंप्लीट करना है, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। अच्छा जी, सिस्टम बस का काम क्या है? कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को पहुंचाना। इंटरनल बसेस भी होती हैं जो विद इन द सीपीयू डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाती हैं, और रैम और सीपीयू तक मैंने आपको वो बताया कि जी रैम से सीपीयू तक डेटा चला गया और रैम से स्टोरेज डिवाइसेस तक डेटा चला गया, इन सब बसेस को क्या कहते हैं? ये सारी बसेस हैं, ठीक है जी, और ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा को ट्रांसफर करती है, ठीक है जी। जिस तरह बस पे लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, और ये ऐसी बसेस हैं जिनमें से डेटा नहीं जाता, जिनमें लोग नहीं जाते बल्कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाता है। डेटा जाता है, इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है जी, उन्हें कहते हैं सिस्टम बसेस। रैंडम एक्सेस मेमोरी का आज काफी कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि ये बहुत अहम मेमोरी है, तो आपने ये जहन में रखना है कि ये सपोर्टिव है, सपोर्टिव मेमोरी टू सीपीयू, एंड इट इज द असेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का असेंशियल कंपोनेंट है। और इसमें, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है? इसमें डेटा रैंडमली रखा जाता है, यानी और रैंडम, जो जिस भी मेमोरी की एक्सेस रैंडम होगी वो बहुत फास्ट होगी। इंशाल्लाह इस पे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे रैंडम एक्सेस हमेशा फास्ट होती है, सीरियल एक्सेस हमेशा स्लो होती है, इस पे इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये सीपीयू को डेटा प्रोसेसिंग करने में सपोर्ट करती है। वो डेटा जो सीपीयू ने प्रोसेस करना होता है उसको रैम में पहले ला के रखा जाता है और फिर उसको जो है सीपीयू प्रोसेस करता है। कैशे मेमोरी, ये भी आप इसको, अभी मैं इतना ही बताऊंगा कि आप ये कह सकते हैं कि रैम से सीपीयू तक डेटा ट्रांसफर के अमल को फास्ट कर देती है कैशे मेमोरी। जब डेटा ट्रांसफर का अमल फास्ट हो जाएगा तो फिर डेटा प्रोसेसिंग भी क्या है वो भी फास्ट हो जाएगी। तो कैशे मेमोरी का बेसिक काम क्या है? डेटा को रैम से सीपीयू तक डेटा ट्रांसफर के प्रोसेस को फास्ट करना, ठीक है जी। मदरबोर्ड एक ऐसी चीज है जी जिसका बुनियादी काम है कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना। मदरबोर्ड का बेसिक टास्क क्या है? कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना। तो आप ये समझ लें कि हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, माउस, ये सारे के सारे किसके साथ कनेक्ट होते हैं? एक बोर्ड है कंप्यूटर के अंदर, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है आमतौर पर, और इसके अंदर बहुत सारी जो है वायर्स वगैरह जो है इसके अंदर वो होती हैं, लगी हुई होती हैं, और ये मुख्तलिफ इसमें पोर्ट्स लगी होती हैं जिसके जरिए से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। लें जी क्वेश्चन, अब हमारे पास 2-3 मिनट्स हैं तो इसमें क्वेश्चंस ले लेते हैं। आज के लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और स्पेसिफिकली ये जो लास्ट पे 2 टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको, इसके हवाले से पूछ सकते हैं। सर, वो मल्टी कोर में जिस तरह आपने बताया कि एक ऑक्टा कोर है उसके अंदर चिप एक ही होती है लेकिन 8 प्रोसेसर लगे होते हैं, तो इसी तरह ये इस बात की इक्वल है कि 8 चिप्स लदा भी ली जा सके, जिसे मल्टी प्रोसेसिंग है? हाँ, अगर 8 प्रोसेसर अलहदा से लेकर लगाएं, जैसे वो आपको बताया नहीं था मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर वगैरह नहीं जैसे बताया था, उनके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर में, वो सारे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर भी मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है, और मेन फ्रेम भी और मिनी कंप्यूटर भी, और आजकल माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए मैं खुद एक यूज करता रहा हूं। मुझे याद है काफी, जब मैं स्टूडेंट था MSc का, तो मुझे याद है मैंने एक कंप्यूटर खरीदा था, तो उसके अंदर ना एक बोर्ड स्पेशल लगा हुआ था, उसमें 2 प्रोसेसर लग सकते थे, तो उसको भी मल्टी प्रोसेसिंग ही कहेंगे। मतलब ये वही बात है, पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर। कल एक बात हो रही थी ना
कि पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर, मुझे पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर चाहिए था तो मैंने वो खरीदा, तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा जबरदस्त कंप्यूटर है, बल्कि वो उसको बोलते थे सर्वर मशीन, मुझे याद पड़ रहा है। तो कहते जी लो जी एक तो प्रोसेसर इसमें हमने लगाया हुआ है, आप एक प्रोसेसर और खरीद लें इतने का और वो लगा के इसकी प्रोसेसिंग पावर को और बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही मैं एक और प्रोसेसर लगा दूंगा उसके ऊपर, तो फिर कहेंगे कि ये कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है जी। फिजिकली जब उसके अंदर फिजिकली एक से ज्यादा प्रोसेसर लगाएंगे तो तब वो उसे कहेंगे कि ये मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी कि फिजिकली अगर दो प्रोसेसर लगाएं, फिजिकली दो या दो से ज्यादा, हाँ बिल्कुल दो या दो से फिजिकली अगर दो प्रोसेसर लगाएं जी और एक दूसरा एक चिप लगाएं जो जो डुअल कोर हो, तो दोनों एक ही बात है। ये तो जरा एक आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इसके लिए निकाले जाते हैं। वैसे फिजिकली अगर दो लगाएंगे तो वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन अगर एक ही मल्टी कोर जैसे एक ही प्रोसेसर और उसके अंदर दो कोर, हाँ मतलब दो कोर्स हैं, तो फिर थोड़ा सा फर्क एक पड़ता है, तो परफॉर्मेंस वाइज वो जरा ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? एक मिनट, अरसलान क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अरसलान, अरसलान सर ये एक ही, सर ये एक ही कंप्यूटर में दोनों प्रोसेसर हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो फिर हम इनको क्या कहें? एक कंप्यूटर में सर मतलब एक ही सीपीयू में ये दोनों प्रोसेसर हो सकते हैं? कौन से दोनों? मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी कोर प्रोसेसर। हाँ देखिए देखिए ये तो एक मल्टी कोर मल्टी प्रोसेसिंग एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक कंप्यूटर में दो, एक दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर काम कर रहे हैं तो बस वो मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग की किस लिए जाती है? कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर बनाने के लिए, बस वो कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग भी कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपका सवाल समझ गया हूं कि एक कंप्यूटर के अंदर एक मल्टी कोर प्रोसेसर लगा हुआ है जिसके अंदर दो कोर्स हैं या चार हैं आठ हैं ऐसा ही है, और एक आम प्रोसेसर लगा हुआ है वो मल्टी कोर नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेसर जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू है वो मल्टी कोर प्रोसेसर है, लेकिन कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है जी। क्लियर? ओके सर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट मिनट है सर, आ गए हमारे जी, चलें जी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आप मंडे को मुलाकात होगी, ठीक है। और सर, अगर ये दोनों हो मतलब प्रोसेसर दोनों हो तो फिर दोनों हो तो तब भी कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है क्योंकि एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसिंग एक अमल है। जेन पहले बात समझे तो नहीं सर, देख पहले बात समझ, डेटा प्रोसेसिंग सर कौन सा मतलब प्रोसेसर? बात समझे ना, अभी बात क्लियर। मल्टी प्रोसेसिंग एक अमल है और मल्टी कोर प्रोसेसर कोई चीज है, किसी चीज को कहते हैं ये मल्टी कोर प्रोसेसर है। मल्टी कोर प्रोसेसर किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे, किसी चीज को कहेंगे, ठीक है। मल्टी कोर प्रोसेसिंग सॉरी मल्टी कोर प्रोसेसर एक ऑब्जेक्ट है, एक आइटम मतलब है, अगर, एक चीज है, और मल्टी प्रोसेसिंग एक अमल है। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मल्टी कोर प्रोसेसर भी है और नॉर्मल प्रोसेसर भी वर्क कर रहा है। और कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर क्या अमल कर रहा है, जो अमल कंप्यूटर कर रहा है उसे कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है जी सर। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी।